व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वॉचिंग एचडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं अर्शद रील्स का रोस्ट, दो बीवियों का शौक। ये देविका गुप्ता के चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखा हुआ तो ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो जनाब अर्शद रील्स, वैसे तो मैं इसकी ज़्यादा रील्स देखता नहीं हूँ, हाँ इसके डब्ड जो हैं वर्जन मीम्स वाले, जिसमें वो इसकी बेटी जो है दुआ, उसकी आवाज़ डब करके जो है ना वहाँ पे 8-10 गालियाँ डाल के वो मीम्स बना दिए जाते हैं, तो वो हम ज़रूर देखते रहते हैं, लेकिन इसके इट्सेल्फ व्लॉग्स हम नहीं देखते। तो जनाब देखते हैं इस वीडियो में क्या सीन है। पता नहीं अब इसकी, इसने पहले एक बीवी होती थी, अब दो है। एक वीडियो में देख रहा था उसमें तीन बीवियाँ भी थी, तो ये क्या सीन है भाई? ये क्या मौलवी शादियों के उस पर ही लग के वीडियो देखेंगे तो अंदाजा हो पाएगा। शुरू करते हैं 3-2-1। भाई साहब देखिए, दो बीवियों का जमाना है और अरमान मलिक को लीगली रखने वाले देश के सबसे प्यार करे जाने वाले सज्जन के बारे में हम बात क्यों ना करें। अब तुम देखो कि वो कैसे दूसरी शादी के बिना रह सकते हैं। यहाँ अरमान मलिक और सनी फैमिली ने तो इंडिया में गाली खाई ही है, और अब ये हमारी नई मामा बहुत अच्छी हैं पापा। अच्छा, ये दुआ आपको ज्यादा तंग तो नहीं करती? 11 फरवरी को मैंने इन पे एक रोस्ट वीडियो निकाली थी, वीडियो का टाइटल था अरशद दुआ रोस्ट। उस वीडियो पर मेरे बहुत ज्यादा डिसलाइक आए और हेट कमेंट्स तो आज तक आए। ऐसा क्यों? संस्कार किसी दुकान पर नहीं, तो मैंने भी सोच लिया कि नहीं देखनी मुझे अरशद की रील, नहीं देखना मुझे दुआ को, नॉट इंटरेस्टेड कर दिया कि देखनी ही पड़े इनकी रील्स, वरना फिर एक रोस्ट वीडियो निकाल दूंगी। 6 महीने निकल गए पर दोस्त तो दोस्त होते हैं, भेज दिया उन्होंने मुझे इनकी एक रील व्हाट्सएप पे। फिर क्या, मैंने प्रोफाइल खोली और हेट कमेंट्स के लिए रेडी हो गई। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका तवाई आज का रंगारंग शुरू करते हैं। मम्मा जी पापा कहाँ चले गए? पता नहीं दुआ, नंबर भी बंद है उनका। लाओ जी, यही देखा था मैंने रील। वेलकम टू माय हाउस। मम्मा जी पापा ने एक और शादी कर ली है क्या? बड़ा ग्रीन फ्लैग करते थे ना तुम लोग उसके कमेंट सेक्शन में, अब बोलो बीवी के साथ साथ बाहर लड़कियों का भी ग्रीन फ्लैग बनता फिर रहा था। पापा, पापा, आप इधर नहीं कर सकते पापा। अब तुम अगर कहोगे कि देविका ऐसे मत बोल, वो तेरे रिलीजन का नहीं है, तो भाई ये कमेंट देख लो। पानी ये दूसरी शादी ना तुम्हारी वजह से की है दुआ? नहीं जैनब, अल्लाह की वजह से की है। ये देखो मसना वसुला सवारुबा। पापा जी क्यों की है आपने दूसरी शादी? आजो दुआ, अपनी नई मामा से मिलो। ओ लड़की दे किसने दी? देखो दुआ, दूसरी शादी का बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है पापा जी? हाँ भाई, फायदे तो आपके ही हैं, दो-दो शादियों के। पाकिस्तान के अरमान मलिक रिलीजन के नाम पर चीटिंग करने को जस्टिफाई कर दिया। वेल डन। ये अरशद रील्स नहीं कोई गेम लगता है, नए नए कैरेक्टर अनलॉक हुए जा रहे हैं। पापा आगे, पापा आगे। बिस्मिल्लाह, दुआ के पापा आ गए आप? हाँ बेगम, आज तो बहुत थक गया हूँ मैं। चलें आप पानी पी ले, मैं दबा देती हूँ। हमारी नई मामा बहुत अच्छे हैं पापा जी। अच्छा, ये दुआ आपको ज्यादा तंग तो नहीं करती बेगम? घर में बुर्का पहनते हुए थकती नहीं? आपके मुँह से दुआ के पापा अच्छा लगता है बेगम। शुक्रिया दुआ के पापा। मामा जी पापा घर आ गए हैं। अच्छा, इधर नहीं आए अभी तक? नहीं मामा, दबा जुड़े हैं पापा को। क्या खिदमत करने का सवाब मिलता है जी? पता है पता है। अरे बेगम, आपकी जगह कदमों में नहीं हमारे दिल में है। वाह क्या कॉन्सेप्ट। पर ये क्या, दोनों बीवियों के जूते कहीं ये एक ही तो नहीं? लेकिन एक उसमें आई भी थी इकट्ठे कंटेंट के लिए तो नहीं? अगर ऐसा है तो फिर तो और बेइज्जती बनती है, क्योंकि एक तरफ तुम लोग पॉलीगैमी प्रमोट कर रहे हो, वो भी बिना खुद शादी किए। नहीं है दो ही, किसी की भी सीमा होती है। अरशद दिल के बुरे नहीं है, खोपड़ी से सटके हुए हैं बस। क्या मतलब, अगर एक आदमी एक लड़की के लिए फेथफुल है तो वो तीन लड़कियों के लिए तीन गुना फेथफुल होगा? Think about it like this. A man with only one wife, okay, that's good, he's faithful. But a man with three women, that's 3 times more faithfulness than the beta with only one wife. फिर तो लड़की के लिए भी सेम होगा ना? अफ्रीका में होता है ऐसे। तीन हस्बैंड रखने दो, लड़की भी तीन गुना फेथफुल होगी। मुझे अभी मेरे कैमरे के दूसरी तरफ लोग ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं, अभी और होंगे। दिन चढ़ते ही दुआ की सबसे पहली डिमांड। चलो ना पापा जी, चीज लेने चलते हैं ना। अच्छा दुआ, बैठो गाड़ी। अपने ही गाँव में चला रहे हैं। पापा जी मुझे डर लग रहा है, मैंने नहीं जाना। बस ऐसे ही बिना सीट बेल्ट के चलाओ और
खाई में जा। सुबह उठ के दुआ ने दुआ पढ़ी, पापा से मिली और मामा से भी। मैंने पेस्ट लगा के दी तो दुआ ने दांत साफ किए। वुजू करने के दूसरी बीवी कहाँ गई? अल्लाह अकबर। बेगम ने मोबाइल देख देख के आलू वाले पराठे। अरे क्या तुम्हारी बीवी ग्लव्स पहन के रोटियां क्यों पकाती है? नहीं वो मुझे पता है कि लिवा। हाँ वैसे रोटी बनाते टाइम तो मतलब भाई ग्लव्स दिन भर उसमें पसीने लगे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या उससे रोटियाँ। हाँ वैसे देखो यार बुरा मत माना लेकिन काट रहे हैं रिलीजन के नाम पे ऑडियंस तो बिटोर ली, ताकि अगर कोई कुछ गलत काम पे इनको कॉल आउट करे तो अनपढ़ लोग डिफेंड करने आ ही जाएंगे। क्योंकि भाई रिलीजियस भी तो शो करता है खुद को, रिलीजियस है तो दूसरी शादी अलाउड है, रिलीजियस है तो बेटी दुआ को कार में बैठा करके फुल स्पीड में गाड़ी चलाना भी अलाउड है, रिलीजियस है तो कोई कुछ कह थोड़ी सकता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके कुछ ओके। तो यार ये मतलब पॉइंट तो देविका ने सही उठाया कि ये दोनों के जूते क्यों सेम थे और दोनों की जिसामत भी एक जैसी है, दोनों मोटी मोटी। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसे अब देविका की वीडियो देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि ये एक ही बंदी है और डबल रोल प्ले कर रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। दूसरी बात ये कि भाई देखो 24 घंटे बुर्का, देखो कंटेंट बना रहा है वो बुर्का पहन के घूम रही है क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता अपनी बेगम को, चलो फेयर इनफ बात समझ में आती है। लेकिन भाई तू अपने कंटेंट के चक्कर में घर में भी उसे बुर्का पहना के घुमा रहा है, उसका बेचारी का क्या कसूर है? शदीद गर्मी है, मत मरी जाती होगी बेचारी की, लेकिन नहीं लोगों को समझ में ही नहीं आती बात। फिर रिलीजन के कवर में ये बंदा ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि जिनका कोई सर पैर नहीं है और उनको छांव दे रहे हैं रिलीजन के नाम पे, ये गलत है। बात सीधी सी करेंगे हम। अब देखो ना वो चपाती बना रही है, पराठा बना रही है ग्लव्स पहन के, तो भाई करना क्या चाहते हो तुम? और फिर घर में भी ग्लव्स अबाया पूरा निकाब आंखें नजर आ रही हैं उसका, मैं कहता हूँ पता नहीं क्या हाल होता होगा जब जब इसने रिकॉर्डिंग करनी है एपिसोड की अपने, उसकी तो बैंड बज जाती होगी। लेकिन बात फिर वही है यार, वो बंदी अपनी मर्जी से कर रही है तो ज़्यादा हम फिंगर भी पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन गलत तो गलत है। आपके कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।